हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू कोर्स पेपर सेकंड, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे की टाइमिंग है और 10 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। शिक्षा का समाजशास्त्र किस प्रकार से शैक्षिक समाजशास्त्र से भिन्न है? सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक समूह किस प्रकार से द्वितीयक समूहों से भिन्न होते हैं? सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए। सामाजिक व्यवस्था के प्रकारात्मक एवं संरचनात्मक उपव्यवस्था का वर्णन कीजिए। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के प्रत्ययों एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है? क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृति के प्राकृतिक एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष संदर्भ में विविधता में सांस्कृतिक एकता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के क्षेत्र में इमाइल दुर्खीम के योगदान की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीए सोरोकिन की किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार क्या है? वर्तमान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मानवीय अधिकार किस प्रकार से सार्थक हैं? सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूँ।